प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन कराने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है। इसी कड़ी में आगरा मंडल में अब तक 10 मुन्ना भाई सहित दो नकलची को पकड़ा गया है। परीक्षा में नकल कर रहे परीक्षार्थियों पर नकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। बोर्ड एग्जाम की शुरुआत के साथ ही नकल की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। राज्य के कई शहरों से मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, जो किसी दूसरे उम्मीदवार की जगह खुद बैठकर एग्जाम दे रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह पूरा पेपर लिख पाते, निरीक्षकों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। बोर्ड परीक्षा की 16 फरवरी से प्रारंभ हुई है और अभी तक जनपद आगरा में 16 फरवरी को 3 छात्र पकड़े गए थे और वो प्रॉक्सी छात्र थे, दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षार्थी दे रहे थे। उन तीनों को मौके से पकड़ा गया, उनकी शिनाख्त की गई और उनके विरुद्ध FIR कराई गई। उसी दिन मथुरा में भी एक छात्र प्रॉक्सी पकड़ा गया था, दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। इसी प्रकार के जो दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स का है, उसमें भी आगरा में 2 और मैनपुरी में 3, फिरोजाबाद में 1, कुल मिलाकर अब तक 10 ऐसे परीक्षार्थी पकड़े जा चुके हैं जो प्रॉक्सी परीक्षार्थी हैं, यानी दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। आगरा मंडल में अब तक 10 मुन्ना भाई सहित 2 नकलचियों को पकड़ा गया है। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के कई सारे एग्जाम सेंटर्स को संवेदनशील और अति संवेदनशील भी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 936 एग्जाम सेंटर संवेदनशील और 242 अति संवेदनशील घोषित हो चुके हैं। इन एग्जाम सेंटर्स पर कड़ी निगरानी की जा रही है। चूंकि इस बार नकल पर रोक है और ऐसी परिस्थितियों में चूंकि विद्यार्थी कर नहीं पा रहे हैं, तो वो दूसरे परीक्षार्थियों की मदद लेकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना मिलान करेंगे, आधार कार्ड से मिलान करेंगे, और जैसे ही वो मिलान करते हैं तो वहाँ पर उनकी पकड़ हो जा रही है। इस प्रकार से 10 परीक्षार्थी हमारे अब तक प्रॉक्सी परीक्षार्थी के रूप में पकड़े गए हैं, उनके सबके खिलाफ FIR करा दी गई है। 2 परीक्षार्थी UFM में पकड़े गए हैं और उनको जनपद मथुरा में जिलाधिकारी मथुरा के द्वारा उनको देखा गया था, उनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है और परिषद को उनकी परीक्षाएँ कि जो उत्तर पुस्तिका है वो अलग से सेपरेट प्रेषित। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने का संकल्प प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। इसी कड़ी में आगरा मंडल में अब तक 10 मुन्ना भाई सहित 2 नकलचियों को पकड़ा गया है। परीक्षा में नकल कर रहे परीक्षार्थियों पर नकल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।